नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। पीएम मोदी ने की मन की बात, गर्भवती महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ चेकअप स्कीम का किया ऐलान। रियो ओलंपिक में खिलाड़ियों का हौसला बुलंद करने की अपील। दलितों पर राजनीति उठापटक जारी, केजरीवाल बोले उदित राज समेत बीजेपी के सभी दलित सांसदों को देना चाहिए इस्तीफा। बीजेपी सांसद बोले तथा कथित रक्षकों की वजह से हिंदुत्व खतरे में। सुरजेवाला का परिकर पर निशाना, पूछा आपका काम देश की रक्षा करना या आमिर जैसे नागरिकों को धमकाना। परिकर ने आमिर के असहिष्णुता के बयान को बताया अहंकार भरा। केजरीवाल को एक और झटका, विधायक शरद चौहान गिरफ्तार। पार्टी ने पूछा क्या मोदी पागल हो गए हैं, गुस्से और प्रतिशोध से करेंगे काम तो क्या देश रहेगा सुरक्षित। और कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद को देश कर रहा याद, 136वीं जयंती पर गूगल ने डूडल पर दी श्रद्धांजलि। 300 से अधिक कहानियां और हिंदी उर्दू में लिखे दर्जनों उपन्यास। और अब देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को एक बार फिर से मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से रूबरू हुए। रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से वो हर महीने के आखिरी इतवार को लोगों से मुखातिब होते हैं। अब की बार मन की बात के जरिए पीएम मोदी ने रियो ओलंपिक में गए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और लोगों से भी कहा कि वो अपनी शुभकामनाएं शेयर करें। पीएम मोदी ने आज इस कार्यक्रम के जरिए गर्भवती महिलाओं के लिए एक स्कीम का ऐलान किया, जिसके तहत अब वो गर्भधान के 9वें महीने में फ्री हेल्थ चेकअप करवा पाएंगी। ये हेल्थ चेकअप सरकारी अस्पतालों में होंगे। यूपी के बुलंदशहर में एक मां और बेटी से गैंगरेप का मामला सामने आया है। नोएडा से शाहजहांपुर जा रहे परिवार को दिल्ली कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोककर 5 आदमियों के समूह ने पहले लूटपाट की और फिर मां बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने कार में बैठी महिलाओं और पुरुषों को हाईवे से कुछ दूर खेत में ले जाकर बंधक बना लिया। इसके बाद इन लोगों ने नकदी समेत जेवर लूट लिए। बाद में मां बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार को भी अंजाम दिया गया। इस मामले में 15 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमों को तैनात किया गया है। मामले में कोतवाली देहात थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि बीजेपी के सभी दलित सांसदों को बीजेपी के गुंडों द्वारा दलित समुदाय पर हमले के विरोध में इस्तीफा देना चाहिए। केजरीवाल ने कहा उदित जी और बीजेपी के सभी दलित सांसदों को देश भर में बीजेपी के गुंडों द्वारा दलितों पर हो रहे हमलों के विरोध में इस्तीफा देना चाहिए। केजरीवाल की ये टिप्पणी बीजेपी सांसद उदित राज के शनिवार को दिए गए बयान के मद्देनजर आई है, जिसमें उदित राज ने कहा था कि इन तथा कथित रक्षकों की वजह से हिंदुत्व खतरे में है। उन्होंने कहा था अगर दलितों के लिए मंदिरों के द्वार बंद किए गए तो वो चर्च मस्जिद जाएंगे और हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। स्कीपल चीज की खिलाड़ी पूजा कुमारी के लिए सेल्फी लेना जानलेवा साबित हुआ। शनिवार को भोपाल में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कैंपस सेल्फी लेते हुए बैलेंस बिगड़ने के बाद वे फिश हार्वेस्टिंग प्लांट में डूब गई थी। डूबने से उनकी मौत हो गई। पूजा कुमारी अपने 2 साथियों खिलाड़ियों के साथ साई कैंपस में बने फिश हार्वेस्टिंग प्लांट के पास खड़े होकर सेल्फी ले रही थी, लेकिन बैलेंस बिगड़ने से पानी में गिर गई। पुलिस के मुताबिक पूजा पिछले 3 साल से साई कैंपस रातीबड़ में स्टीपल चेज की ट्रेनिंग ले रही थी। पूजा कुमारी ने पिछले साल नेशनल चैंपियनशिप में 2000 मीटर स्टीपल चेज में सिल्वर मेडल जीता था। हिंदी के अमर कथाकार मुंशी प्रेमचंद को उनकी 136वीं जयंती पर गूगल ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। गूगल ने प्रेमचंद का डूडल बनाकर उन्हें स्मरण किया है। इस डूडल में धवल कुर्ता पहने प्रेमचंद को एक कलम लेकर कुछ लिखते हुए दिखाया गया है। इस चित्र में उनके गांव में बने घर को भी दर्शाया गया है, जिसके साथ बैलों की एक जोड़ी को भी दिखाया गया है, जिसमें बरबस उनकी कहानी 2 बैलों की कथा की याद आती है। उन्होंने 300 से अधिक कहानी और उर्दू तथा हिंदी में कई उपन्यास लिखे थे। राजधानी समेत देश के कई शहरों में प्रेमचंद जयंती मनाई जा रही है। जाने माने गीतकार गुलजार ने प्रेमचंद की कृतियां गोदान और निर्मला को पटकथा प्रारूप में पेश करने के बाद कहा कि प्रेमचंद की कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस दौर में थी। उनकी कहानियां में दर्शाई गई समस्याएं आज भी मौजूद है। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर।
आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सोनी की खुदकुशी के केस में नरेला से आप विधायक शरद चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने शरद को गिरफ्तार किया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच लगातार 3 दिन से शरद चौहान से पूछताछ कर रही थी। खुदकुशी के बाद से कार्यकर्ता के परिवार ने आरोप लगाया था कि विधायक के करीबी रमेश भारद्वाज सोनी को विधायक के कहने पर परेशान कर रहा था। इससे तंग आकर सोनी ने आत्महत्या कर ली। विधायक की गिरफ्तारी के बाद आप नेता आशुतोष ने ट्वीट कर कहा, एक और आप विधायक गिरफ्तार, क्या मोदी पागल हो गए हैं? क्या उन्होंने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है? अगर पीएम इस गुस्से और प्रतिशोध के साथ काम करेंगे तो क्या देश सुरक्षित है? कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने अभिनेता आमिर खान पर दिए गए बयान को लेकर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पर हमला बोला है। पर्रिकर ने शनिवार को कहा था कि आमिर खान के देश छोड़ने वाले असहिष्णुता के बयान अहंकार से भरा बयान बताया था। सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि मनोहर पर्रिकर से साबित होता है कि ये दलितों और अल्पसंख्यकों को दबाने की साजिश है। क्या ये राजधर्म हो सकता है? सुरजेवाला ने ये सवाल भी उठाया, क्या मनोहर पर्रिकर का काम भारत की पाकिस्तान जैसे हमला करने वालों की रक्षा करना है या अपने अभिनेता आमिर खान जैसे अपने देश के नागरिक को धमकी देना है? दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में एक साथ पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग आयोजित होने के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक चिट्ठी जारी की है। अभिभावकों के नाम लिखी चिट्ठी में सिसोदिया ने कहा कि बच्चों के भविष्य को सुधारने में टीचर्स के साथ पेरेंट्स का भी अहम योगदान है। उन्होंने कहा, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का ये पहला अवसर था। इसका मकसद है कि बच्चों के बेहतर विकास के लिए टीचर्स और पेरेंट्स के बीच सीधा संवाद हो। बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए आप मेहनत करते हैं और साथ ही टीचर भी। हमारे स्कूलों में टीचर्स के टैलेंट की कमी नहीं, बस थोड़ा पढ़ाई के माहौल और व्यवस्थाओं को लेकर कमी है। सिसोदिया ने वादा किया है कि सरकारी स्कूल में सुविधाएं प्राइवेट स्कूल से बेहतर बनाएंगे। प्रिंसिपल और टीचर्स को अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग दिलाई जा रही है। कल यानी शनिवार को दिल्ली सरकार ने स्कूलों में पीटीएम यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया था, लेकिन इस मीटिंग के बाद एक 13 साल की लड़की ने खुदकुशी कर ली। पश्चिम दिल्ली के ख्याला इलाके में 11 साल की बच्ची करिश्मा ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी की। घर वालों का कहना है कि स्कूल की तरफ से की गई शिकायत की जानकारी मिलने के बाद डर के मारे उसने खुदकुशी कर ली। करिश्मा पश्चिमी दिल्ली के ख्याला इलाके के स्कूल में 7वीं क्लास की छात्रा थी। घर वालों का कहना है कि पहले भी स्कूल वाले बच्ची को मारते पीटते थे, लेकिन इसकी शिकायत कभी स्कूल से नहीं की। शायद यही वजह है कि उनकी बेटी की जिंदगी पर भारी पड़ गई। भारतीय वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों अपने घर रांची में है। क्रिकेट के अलावा उनके फुटबॉल के प्रति दीवानगी भी जग जाहिर है। फुर्सत में होने के कारण धोनी अपने दोस्त सुदेश महतो के निमंत्रण पर दिल्ली पहुंचे और जमकर फुटबॉल खेला। क्रिकेट में छक्का लगाकर मैच जिताने वाले धोनी ने फुटबॉल में गोल दागकर अपनी टीम को जीत दिलाई। 7 नंबर की जर्सी में खेल रहे धोनी के कई प्रशंसक मैदान पर जमा थे और धोनी चिल्ला रहे थे। दिल्ली की टीम से खेल रहे धोनी की टीम में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो और पूर्व भारतीय फुटबॉलर अजय सिंह भी अपने प्रदर्शन से दर्शकों का मनोरंजन किया। पूरे मैच के दौरान स्टेडियम ताली और शोर से गूंजता रहा। ये मैच दिल्ली ने रांची एकादश को 6-2 से हराकर जीत लिया। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार। We'll be right back.